Guys, welcome back to my channel Beauty Bug. तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ हेयर डाइज और हेयर कलर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ हेयर डाइज और हेयर कलर्स के क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या नुकसान हैं और आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कौन सी हेयर डाइज आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों हेयर डाइज कितनी तरह की होती हैं, इसमें परमानेंट होती है, सेमी परमानेंट होती है और एक होती है टेम्परेरी। तो मैं इसमें आपको तीनों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो दोस्तों पहले बात करते हैं परमानेंट हेयर डाई के बारे में। परमानेंट हेयर डाई क्या होती है, जिसको लगाने के बाद बालों में वॉश करने के बाद भी नहीं निकाला जा सकता, दैट इज कॉल्ड परमानेंट हेयर डाई। तो जो परमानेंट डाइज होती है उनको हम जब एक बार बालों में लगा लेते हैं तो उनको कितना भी आप वॉश कर लो वो नहीं निकल सकती आपकी, इसलिए उनको परमानेंट डाइज बोला जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेमी परमानेंट कलर की। सेमी परमानेंट कलर क्या होते हैं, जब हम उनको अपने बालों में अप्लाई करते हैं और 5-6 बार वॉश करने के बाद ही वो इजिली निकल जाते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सेमी परमानेंट कलर। दोस्तों लास्ट बात करते हैं टेम्पररी कलर की। टेम्पररी कलर क्या होते हैं, जो एक दो बार की धुलाई में ही निकल जाते हैं। एक दो बार के सर धुलने में आपका जो टेम्पररी कलर है वो इजीली निकल जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पररी कलर। तो दोस्तों आइए बात करते हैं परमानेंट कलर के बारे में। परमानेंट कलर में अमोनिया और डेवलपर जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं। इसमें इतनी भारी मात्रा में केमिकल्स होते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे लंग्स डैमेज, किडनी डैमेज या फिर आपको एक एलर्जिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या फिर फीडिंग कराती हैं या फिर जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो खास तौर पे ध्यान दें, अगर वो ये कलर कराना जा रहे हैं तो ये कलर उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो प्लीज़ खास तौर से ध्यान दें जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर जो फीड कराती हैं, क्योंकि इतना खतरनाक केमिकल है कि कहीं ना कहीं आपको रिएक्ट कर सकता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे नेचुरल कलर्स भी हैं जो आपके बालों को डाई करने के साथ साथ उनको ब्लैक और शाइनी भी बनाते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें, अगर आपको ज़्यादा ही नीड है, अगर आप हैबिचुअल हैं तो टेम्पररी कलर और सेमी कलर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने केमिकल्स नहीं होते जितने परमानेंट कलर में होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं परमानेंट कलर होते कौन कौन से, मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं जो आपके बालों पर अप्लाई किए जाते हैं। लॉरियल पेरिस एक्सीलेंस क्रीम हेयर कलर, मैट्रिक्स 100 कलर परमानेंट हेयर कलर, वेला कलर 4 परमानेंट हेयर कलर, गार्नियर न्यूट्रलाइज परमानेंट हेयर कलर। अब बात करते हैं सेमी परमानेंट कलर के बारे में। इसमें अमोनिया और डेवलपर जैसे केमिकल नहीं डाले जाते और ना ही इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है और फिनाइली हाइड्रोमिन की मात्रा भी इसमें बहुत कम होती है। ये सिर्फ आपके बालों को ऊपर से कलर करते हैं और 5-6 बार की वॉश में ये आपके निकल जाते हैं इजिली, इसलिए आपको ये इतने हार्म नहीं करते जितने परमानेंट कलर करते हैं। अगर आप हैबिचुअल हैं, अगर आपको कलर के बिना आप नहीं रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कलर तभी करें तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कलर करने की। अगर आप करते भी हैं तो सेमी कलर या फिर टेम्पररी कलर को चूज़ करें। और दोस्तों मैं नाम बताने वाली हूँ आपको सेमी टेम्पररी कलर के बारे में। लॉरियल प्रोफेशनल हेयर कलर, सेकेंड गार्नियर कलर नेचुरल, गोदरेज की काली मेहंदी, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। तो दोस्तों जो टेम्पररी कलर होते हैं वो हेयर वॉश, शैम्पू, जेल, स्प्रे और फॉर्म के रूप में आते हैं, और ये जो कलर है आपके बालों को इंस्टेंट कलर करते हैं और 2-3 धुलाई में ही आपका ये जो कलर है चला जाता है। तो दोस्तों ये कलर आपको वहाँ पे यूज़फुल होगा, अगर आपको इमिडिएटली कहीं जाना है, शादी में जाना है या फिर किसी ओकेशन में जाना है, तो आप एकदम से अपने इंस्टेंट बालों को कलर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते, होते तो हैं बट इतने नहीं होते जितने कि परमानेंट कलर में होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस हैबिचुअल हैं। और दोस्तों टेम्पररी कलर के बारे में भी बता देती हूँ कि कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं और तो थोड़े अच्छे हैं। लॉरियल पेरिस मैजिक रूट कवर अप, टॉपिक रूट टचअप स्प्रे, सनसिल्क इंस्टा हाईलाइट, टेम्पररी हेयर कलर स्प्रे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेचुरल कलर के बारे में, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको पहले कलर्स बताए हैं, डाइज बताए हैं, इनसे बहुत 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 बेटर हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन सब कलर्स को अवॉइड करें, आप नेचुरल कलर ही अपनी हैबिट में लेके आएं, अपने बालों को इस तरह बनाएं कि वो नेचुरल कलर के हैबिचुअल हो जाएं। तो दोस्तों मैं कुछ आपको नेचुरल जो कलर्स हैं उनके बारे में भी बताऊँगी। जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसमें केमिकल्स तो होते हैं बट इतने नहीं होते हैं कि वो आपके बालों को डैमेज करें।
थोड़े बहुत केमिकल्स तो मिलाए जाते हैं आपके बालों को रंग देने के लिए। जो मैं आपको कलर बताने वाली हूँ काफी अच्छे और इफेक्टिव कलर है और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। जो मैं आपको अभी ये नाम बताने वाली हूँ, पतंजलि हर्बल ऑर्गेनिक मेहंदी, ऑर्गेनिक इंडिगो लीफ पाउडर, गोदरेज नुपुर हीना मेहंदी, सहनाज कलर वेदा नेचुरल हेयर कलर। और दोस्तों यदि आप मेहंदी और इंडिगो पाउडर से अपने हेयर कलर करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप उसको रात में किसी लोहे की कढ़ाई में भिगा कर रख दें और जब मॉर्निंग में उठें किसी अच्छे ऑयल के साथ, बेटर होगा कि आप सरसों का तेल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें किसी अच्छे ऑयल के साथ, या फिर दही के साथ मिलाकर उसको अपने बालों पर अप्लाई करें। तो दोस्तों किसी किसी के बाल मेहंदी लगाने से उनके बाल बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो जाते हैं, रूखे रूखे हो जाते हैं। अगर आप मेहंदी में ऑयल डालते हैं या फिर दही डालते हैं तो इससे आपके बाल रूखे नहीं होंगे और एक आपको नेचुरल कलर मिल जाएगा आपके बालों में। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी का यूज़ करें अपने बालों में, ना कि कलर, क्योंकि आप आजकल ट्रेंडिंग में है कलर, सभी 100 में से 90% लेडीज़ ने कलर कराया हुआ है बालों में, तो ट्रेंडिंग में है कलर, सब सोचते हैं एक दूसरे को देख के कि हम भी करा लें। बट कराने से पहले ये भी जान लें कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और कितने डिसएडवांटेज हैं। जो लोग बालों को बार बार कलर करते हैं उनके लिए नेचुरल कलर ही अच्छा होगा। अगर आपने पहले ही डाई वगैरह की हुई है, आप हैबिचुअल हैं डाई करने के, तो आप टेम्प्रेरी या फिर सेमी परमानेंट कलर का यूज़ करें, परमानेंट कलर का ना यूज़ करें। तो दोस्तों बस यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कलर्स के बारे में, कलर्स के क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, आई होप कि आपने जान लिए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हो, जितनी भी अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप देख पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।